अकेला मौत नहीं थी। अच्छा मैं साथ में चलो, ये कह रहे हो तो वहाँ पे ना लिविंग ज़ॉम्बीज रहते हैं और जान भी बचना नामुमकिन सी है। सुबह का 4 बज रहा है और आ चुका हूँ मैं ट्रेन से दीमापुर नागालैंड, और होटल वाली पूरी रोड है लेकिन एक भी होटल जो है खुला हुआ नहीं है। एक होटल खुला हुआ है उसमें फुल है सब कुछ, और एक होटल खुला हुआ है वो थोड़ा महंगा है। बिल्कुल सुनसान रोड है यार, कोई भी बंदा नहीं दिख रहा है। एक ऑटो में बैठ चुका हूँ मैं, एक भाई है बोला 50 रुपये मेरे को दे देना, मैं दिलाऊँगा होटल। मैं कहा ठीक है दिला दे भाई। लोग कहते हैं यहाँ पे नागालैंड में दारू बैन है, लेकिन ये तो पूरा धुत्तो रखा है, पिए हुए हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये पी हुए ढंग से सुबह ही सुबह 4 बजे। तो अभी मैं सुबह उठ चुका हूँ, 9:30 बजे उठा था, थोड़ा आराम से मतलब तैयार वैयार हुआ, 10:30 बज चुका है, अब निकलूँगा ये कुछ सामान अपना सब पैक करके, और अभी से पैक करके जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं घूम के आऊँ और शाम को सीधे ईटानगर निकल जाऊँ, बस बुक करके आऊँ उधर से या ट्रेन, जो भी करना है मुझे फाइनल करके आऊँ, सीधे सामान उठाऊँ और निकल लूँ शाम को। इसलिए मैं सब कुछ पैक करके यहाँ से जा रहा हूँ बाहर घूमने। और यहाँ पे पास में एक ना एक विलेज है चोमुकदीमा, वहाँ के बारे में पूछूंगा, अगर वहाँ जाना आसान होगा तो वो विलेज जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा। तो आज का ये कुछ प्लान रहने वाला है, देखते हैं अब बाहर जाके क्या होता है। तो यार मेरे बाल यार बहुत ख़राब हो गए ट्रेन में कल, और ठंड सी है थोड़ी, और मेरे को जुकाम और खांसी हो गई है। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ यहाँ पे दीमापुर रेलवे स्टेशन के पास में, सामने देख रहे होंगे आप, मेरा होटल वहाँ कहीं है उस तरफ, पास में ही है बिल्कुल, वॉकिंग डिस्टेंस में, मतलब होटल के बाहर निकलो स्टेशन आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले भी लिया था। अभी मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, मैंने अभी होटल वाले से पूछा कि मतलब कहाँ जाना सेफ रहेगा नहीं रहेगा, तो उसने बस यही कहा कि पर्स का और मोबाइल का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी आज संडे है तो ज़्यादातर चीज़ें तो बंद होंगी, जैसे कि यहाँ पे एक हांगकांग मार्केट लगता है, पूछूंगा मैं उस तरफ जाऊँगा, बोला जहाँ तक है वो बंद होगा। चोमुकदीमा जो विलेज है वहाँ पर जाने की कोशिश करूँगा घूमने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर और भी ऐसे छोटा मोटा मार्केट है, खाने पीने की चीज़ें हैं, वही सब एक्सप्लोर करूँगा आज के दिन। तो धूप पड़ रही है काफ़ी तेज, मैं तो जैकेट पहन के आया हूँ। अरे यार इस जैकेट की प्रॉब्लम ये है ना, इसलिए मैं ब्लैक वाली पहने रहता हूँ, क्योंकि इसकी ना जेब पता नहीं क्यों अंदर से कट सी गई है कहीं कहीं, और वो सामान वामान गिरने का डर रहता है। दो ही जैकेट लेके मैं कैरी कर रहा हूँ यहाँ पे, एक के साथ ही हादसा हो रखा है, इसलिए थोड़ी सी टेंशन लगती है। राइट साइड को जाता हूँ, मुझे कुछ खाने का दिख रहा है उस तरफ। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ, क्या नाम है जगह का, चोमुकदीमा टाउन है ये, और चोमुकदीमा टाउन में मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे आज संडे है इस वजह से सब कुछ बंद है, मुझे कुछ यहाँ पे मिला नहीं खुला, और क्योंकि भैया जो है वो करीमगंज से है और करीमगंज में रुक के आ रहा हूँ, हमारी बातचीत हुई और भैया ने बताया कि यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे लूटपाट भी हो जाती है कई बार, इस वजह से यहाँ रुकना सेफ नहीं है, इसलिए मैं बस यहाँ पे घूमने आया था। पीछे मैंने पहाड़ देखा, आप देख रहे होंगे पहाड़ वगैरह है यहाँ से आगे 45 किलोमीटर कोहिमा है, भैया ने बताया। मैं वापस जा रहा हूँ जिधर से मैं आया था उधर ही, और लगभग मैंने इस बार ने थोड़ा घूम लिया ये एरिया कि कैसा है, मतलब सेफ्टी के पर्पज़ से कैसा है, जो आप लोगों को अगर आप लोग भी आ रहे हो तो पता चलेगी ये चीज़। बाकी यहाँ पर बहुत सारे चर्च हैं, अकेडमीज़ हैं, स्कूल्स हैं रास्ते में, शॉप्स बहुत सारी हैं, और छोटे मोटे मॉल्स भी हैं, लेकिन भैया आज सब कुछ बंद है संडे की वजह से। ऑटो ठीक चलते हैं, काफ़ी ऑटो चलते हैं इस जगह पे। और जब से मैं आया हूँ यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा है कि बीच बीच पे ब्रिज बना रखा है रोड क्रॉस करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से मैंने यहाँ की गाड़ियाँ देखी हैं और उनको चलाते हुए देखा है, तो उतना रैश थोड़ा सा रैश ड्राइविंग भी करते हैं यहाँ के लोग।
रूल कम फॉलो करते हैं क्या गाड़ियों का? गाड़ियों का रूल कम, जैसे मैंने देखा कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं फॉर्चुनर वगैरह, उनके शीशे काले हो रखे हैं यहाँ पे, काले शीशे का तो वैसे चलान है यहाँ पे, कुछ चलान नहीं है। और एक और चीज़ है, मुझे यहाँ पे पुलिस नहीं दिखाई दी कहीं पे भी, रहता है लेकिन कम रहता है, कम रहता है, मतलब बाकी रहता है। उतना गाड़ी झमेला नहीं होता है। अच्छा, बाकी झमेला नहीं होता है, ये सब लुटपाट करके आपका चला जाएगा, वो जब चला जाएगा वहाँ से तो पुलिस को बोल के क्या करेगा, वो लोग गायब हो जाता है। जैसे पुलिस पे कोई कंप्लेंट करते हैं किसी भी बात की, पुलिस एक्शन लेती है? पुलिस कैसी है? पुलिस तो एक्शन लेता है, लेकिन पुलिस टाइम पर मिलेगा तो अपना एक्शन लेगा। सही बात है। तो जब से मैंने ये टाउन देखा है वहाँ दीमापुर से लेके यहाँ तक, दिस इज़ अ फिलाडेल्फिया ऑफ इंडिया, इफ़ यू नो फिलाडेल्फिया यू कैन गूगल इट। फिलाडेल्फिया इज़ अ प्लेस इन अमेरिका वेर यू फाइंड ऑल ऑफ द ड्रगर्स एंड द अदर पीपल हु आर सिविलियन आर नॉट सेफ देयर। थोड़ा सा मौसम के बारे में बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, धूप अच्छी खासी हो रही है, लेकिन आप ये कहो कि गर्मी वैसी वाली है, वैसी गर्मी नहीं है, सर्दी है, ठंडक है, लेकिन धूप है, लेकिन पसीना भी आ रहा है, प्यास बहुत लग रही है, सूखी सूखी है सब कुछ, बहुत सूखा सूखा माहौल है। रोड्स जो है वो यहाँ के बहुत गंदे हैं, बहुत मिट्टी मिट्टी और सब जगह कचरा कूड़ा पड़ा हुआ इसी तरीके से, और लोग ऐसे ही बहुत कम गाड़ियाँ दिख रही हैं सड़कों पे, ऐसे ही जा रही हैं मतलब दूर दूर। नागालैंड एक ड्राई स्टेट है, नॉन अल्कोहलिक स्टेट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत लोग ड्रग और दारू पी रहे हैं, तड़ी पी रहे हैं, तड़ी इफ यू नो काफ़ी फेमस चीज़ है इस तरफ, लोग मतलब बनाते हैं, लोकल दारू होती है एक तरीके की, वो मैंने लोगों को पीते हुए खुले आम देखा। दारू बनाने से नहीं होगा था, सरकारी कुछ नहीं मिलता है वहाँ का, वहाँ में तो मुझे मरा है ना उसने बारोडोला कितना वहाँ को मुझे मार दिया, बोलते हैं आर्मी का कैंप असम लेवल का कैंप खेल दिया, बोलता है हम लोग का पब्लिक मार दिया, वो आतंकवादी नहीं, सरकार का सेंट्रल सरकार का तरफ से 12 लाख ना 13 लाख करके दिया था उन लोगों को। भाई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है ऑटो वाले भैया के तरफ से, काफ़ी कुछ बताया उन्होंने जो मुझे पता चला है, और ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप यूएस के बारे में जानते हैं, यूएस में एक जगह है ना फिलाडेल्फिया, देखना जाके, तो वहाँ पे ना लिविंग ज़ॉम्बीज़ रहते हैं, वैसा ही कुछ सीन है इधर का। और इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग इंडिया से अलग होना चाहते हैं, जैसा कि उसने मुझे बताया, यहाँ पे बड़े बड़े कुछ लोग हैं, कोई दादागिरी लोग, वो सब इस चीज़ को, इन सब पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सबको गुंडागर्दी जो है वो एक मतलब पिरामिड है यहाँ पे, ठीक है, उस तरीके से चलता है, और बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिसने भी मेरे को ये चीज़ बताई है सब लोग यही कह रहे हैं कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यहाँ तक कि लोकल लोग अगर यहाँ पे बाइक रखते हैं ना या कार रखते हैं वो भी लूट लिए जाते हैं, बाइक से उतार के बाइक छीन ली जाती है, कार लूट ली जाती है, और विमेंस के लिए भी बिल्कुल सेफ नहीं है यहाँ पे, केवल वही विमेंस रहती हैं जो इस तरीके के सब चीज़ों को सह सकती हैं, नॉर्मल लोग, नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल विमेंस यहाँ सर्वाइवल नहीं है। मेरे सामने देखा मैंने, एक तो पूरा तड़ी भी गया, एक चढ़ा एक आदमी, फिर उसने मतलब थोड़ी दूर तक ट्रैवल किया, ट्रैवल करने के बाद में पैसे भी नहीं दिए उसको, और बिना पैसे के उतर गया। तो मैंने पूछा कि इसे पैसे क्यों नहीं दिए, बोला कि मैं पैसे मांगता ना इससे, और भी इसके साथ के लोग आ जाते, फिर ये ड्रामा करता, मारपीट करता, तो मेरा यहाँ ऑटो चलाना मुश्किल हो जाता, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, बोला छूट जाएंगे हमें 1-2 दिन में, और पैसे भी 1,000-2,000-3,000 में मुश्किल से खर्च होगा। लेकिन अगर लोकल का कोई गुंडा पकड़ के लेके जाता है तो वहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा है, प्रॉब्लम भी ज़्यादा है, और जान भी बचना नामुमकिन सी है। रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ मैं दीमापुर, 4 बजे की मेरी ट्रेन है यहाँ से, और हाँ मैंने प्लान कैंसिल कर दिया है आगे का, इनर लाइन परमिट नहीं मिल पाया अरुणाचल में, और दूसरी तरफ कोहिमा का भी इनर लाइन परमिट होता है, 45 किलोमीटर रह गया था, वो भी नहीं, वो मैंने खैर अप्लाई नहीं किया था वो तो। 2:30 बज चुका है और 4 बजे ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, 4 से 10 मिनट पहले ही आ जाएगी, डेटा मैंने उधर कॉपी करने लगा दिया था सारा सामान। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ट्रेन यहाँ से जा रही है ना सीधे हरदोई तक जाएगी, मैंने अभी अभी देखा, मुझे नहीं पता था, आगे का खैर रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, दिक्कत मेरे सामने ये आ रही है, और गुवाहाटी तक का है, गुवाहाटी तक मैं जा ही रहा हूँ, और वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कैसे भी टीटी से बात करके आगे हरदोई तक की टिकट बनवा लूँ, तो 3 दिन में मैं 2.5 दिन में लगभग अपने घर पहुँच जाऊँगा सीधे हरदोई से, फिर तो 100 किलोमीटर है, तो फिर 100-200 रुपए लगते हैं वहाँ से, तो घर पहुँच ही जाऊँगा मैं आराम से, कोशिश करूँगा वैसा ही हो जाए। तो मैंने सोचा कि छोटे वाले बैग में अपना सब इंपॉर्टेंट सामान, क्योंकि बड़ा बैग ना खोलना पड़े, सब इसी में कर लेता हूँ, और क्योंकि लंबी जर्नी है ये वाली, और अभी तक की सबसे लंबी जर्नी मैं करने वाला हूँ, शायद मैं दोबारा भी इतनी लंबी जर्नी कभी कर पाऊँ,
तो ये करने वाला हूँ इन सब छोटे बैग के साथ में। छोटे बैग में मतलब ऐसा बना लूँगा कि मैं सब इसी में ही हूँ, और बड़े बैग में तो ऐसा सामान जो यूज़ का नहीं है, जो यूज़ हो चुका है वो इसमें डाल दूँगा। चलो करते हैं और चलते हैं फिर। तो यहाँ आ चुका हूँ मैं गुवाहाटी स्टेशन पे, और यहीं तक की मेरी टिकट थी 3rd AC इकोनॉमी में। अब यहाँ आगे तक मुझे बहुत दूर जाना है यहाँ से हरदोई, वहाँ की टिकट मेरे पास है नहीं। तो अभी मैंने TT से बाहर आके बात की, अंदर मेरे को कहीं TT नहीं मिला, तो उन्होंने मेरे से कहा कि जाओ और अपना जनरल टिकट बनवा के आओ। अब जनरल टिकट पे ख़तरनाक लंबी लाइन लगी अंदर, तो फिर मैंने अब बाहर गया, मैं भागता हुआ स्टेशन के बाहर, क्योंकि UPS ऐप जो होता है वो मतलब स्टेशन की लोकेशन के आसपास टिकट बुक नहीं करता है। तो बाहर जाना पड़ा बहुत दूर, फिर वहाँ जाके टिकट बुक की है 375 रुपये की जनरल टिकट। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि मुझे AC या स्लीपर में कोई सीट खाली हो चार्ट देख के, तो मुझे एक आध कोई सीट मिल जाए, सिंगल सीट मिल जाए वहाँ तक, तो बहुत बेटर हो जाएगा AC में। तो वही कोशिश करने गए अभी, बस ये देखो कि सब को स्कैम ना करें। और भाई साहब मुझे चढ़ा हुआ है बुखार ख़तरनाक वाला, 100 के ऊपर ही है, और नाक बह रही थी गंदी वाली, खांसी आ रही है, बुखार चढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मतलब बीमार ना लिखूँ, क्योंकि अभी यार काफ़ी लंबा चल रहा है, मैं सोच ही नहीं रहा उस बारे में बिल्कुल भी। लेकिन बीमार पड़ने वाला हूँ मैं तगड़ा, एकदम सर्दी गर्मी पानी चेंज हवा चेंज एकदम से बहुत हो रखा है इसलिए। दिस वॉज द ट्रेन जिसमें मैं पिछले कुछ 2.5 दिन से था। बाहर से भी ट्रेन अच्छी है, अंदर से भी ट्रेन ठीक है, लेकिन पानी इसमें कतई नहीं आता है कभी भी, सबसे बड़ी दिक्कत। साला 2.5 दिन में पानी नहीं देखने को मिला, कैसे क्या हुआ होगा खुद ही सोच लो। अब चलते हैं यहाँ से बस स्टॉप, और बस पकड़नी पड़ेगी मेरे को। बस स्टॉप यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ से बस पकड़ेंगे, 2.5-3 घंटे तक लगेंगे और मैं पहुँच जाऊँगा घर।